जी सर, यूबी टू। अरे मजा आ रहा है काम करके। सर, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ डॉग प्रोटीन। अच्छा ये देखें, इसके अंदर ये इसने ग्रुपिंग की हुई है आपकी, आप इसको ऐसे ग्रुपिंग कर लें या वो सर्कुलर फॉर्म में ग्रुपिंग कर लें, तो इससे हमें अंदाजा होगा कि जी आपका सर, ठीक है। अब ये क्या बनाया हुआ इन्होंने, इन्होंने वो बनाया हुआ है ये जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले, ये आपका बड़ा खूबसूरत बन गया ठीक है, ये जो अभी बनाया है इन्होंने एक्सॉन इंट्रॉन वाला ना। अच्छा ये भी आप लोगों ने बना लिया बड़ा जी खूबसूरत। सर। सर अच्छा ये ये मुझे नहीं आई समझ, ये कैसे बनाना है, कौन सा, ये ऊपर वाला? जी ये लाइनिंग वाला, सर, तो आप ये इसकी आपने लाइनिंग वीडियो भी अपलोड? ये तो एक्सेल पे बनता, वो तो बना था ना ये पावर पॉइंट पे, लेकिन आपने तो उसके ऊपर बना नहीं लिया, सर वो उसके ऊपर आपने क्रोमोसोम मैपिंग कर नहीं ली। नहीं, क्रोमोसोम मैपिंग है। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है आपने सर, ये ठीक है। मैं मतलब लगानी समझ है, गई। अच्छा अब ये लाइनिंग लगानी है जी आपने, सर, कौन सा जीन किसके साथ डुप्लीकेट हुआ हुआ है, ठीक है सर। अगर एक ही जगह पर वो डुप्लीकेशन है तो इसने इसको ऐसे हाईलाइट किया हुआ, ये देखो ठीक है सर। है, ये की हुई है इन्होंने, और ये सिंटनी लेसर से भी हो जाती है। अच्छा अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ जीन डुप्लीकेशन इवेंट वाज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, द टेंटेटिव डेट ऑफ डुप्लीकेशन फॉर पैरालॉगस जीन वाज कैलकुलेटेड एज 17.6 मिलियन ईयर अगो, 17.6 मिलियन ईयर अगो। अल्लाह अल्लाह अकबर। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसका 63.3 मिलियन ईयर अगो। आपने भी कहानी सुना देनी है कि ये कितने साल हो गए होंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस एंड टू पेयर्स हैविंग नो फंक्शनल डाइवर्जेंस। अच्छा जिसकी 0.3 है, लेस देन 0.3 है, तो वो है न्यूट्रल सिलेक्शन होगी फिर। अब ये देखो के जी सर, एस के ए की वैल्यू के ओवर के एस ऑफ ए मिलियन ईयर्स को, ये सारा डाटा आप लोगों ने ना जनरेट करना है, ये टेबल बड़ा इजीली बन जाना है, जब के ए और के एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर उसका डेट आ जाएगी इसमें कितने मिलियन ईयर्स हो गए, फार्मूला जी सर, के अंदर पुट करेंगे फिर। अच्छा अब ये वो दूसरा है फंक्शनल डाइवर्जेंस, ये तीन चार सॉफ्टवेयर से ना, अगर ये हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर इसको रहने देंगे, लेकिन उम्मीद है ये भी हो ही जी जाएगा। सर, डाटा मॉन्की सॉफ्टवेयर है, सर्वर है, ये बड़ा इजी टू यूज है, इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह इसमें। स्लैक जी एनालिसिस, सर, SLACK, स्लैक एनालिसिस। उसके बाद सिस रेगुलेटरी एनालिसिस कैसे करना है, टेम्पोरल एंड स्पेशल तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द डिफरेंट सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन द प्रमोटर रीजन, ये आपने अभी कर लिया है। सिक्स रेगुलेटरी आइडेंटिफाई जी सेम सर, बस कैरीड आउट बाय ड्राइविंग 1000 बेस पर, आपने 2000 की है या 1500 की है। अ लार्ज नंबर ऑफ सिक्स रेगुलेटरी वाज ऑब्जर्व इन सब्जेक्टिव प्लांट केयर डेटाबेस, ये तो हो गया वैसे। जी ये कर लिया आप लोगों ने, लिख भी लिया। अच्छा सर, जी सर, ये हीट मैप बनाना है और ये इस तरह का। अच्छा इसके अंदर जाके ना आप वेन क्या बना सकते हैं कि वेन डायग्राम सर, वो मैंने देखा था एक रिसर्च पेपर में बनी हुई थी। जी वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, कि ये देख सकते हैं कि कौन से जीन है जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, सर, तो वो भी हमें उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा जीन ज्यादा एक दूसरे से प्रमोटर रीजन के अंदर सिमिलर कहाँ से है। सर?
जब आप इधर जाएंगे ना, ये टीवी टूल के अंदर जाके ग्राफिक्स में जाएंगे, ये यहाँ पर ना वेन प्लॉट है, वेन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे सीक्वेंस नंबर वन, आपकी जो फर्स्ट गियर प्रमोटर सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस नंबर वन इधर लिख देंगे, टू इधर लिख देंगे, थ्री इधर लिख देंगे, चार इधर लिख देंगे, पांच एटी डॉफ वन, एटी डॉफ टू, डॉफ थ्री, डॉफ फोर, डॉफ फाइव, डॉफ सिक्स, ठीक है। और फिर देख लेंगे यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आए हुए हैं, फर्स्ट किया कैट, जो भी एलिमेंट आए होंगे ना, जो इसके अंदर है वो लिख देंगे, जो इसके अंदर है वो लिख देंगे, ये इसके अंदर है वो लिख देंगे। जब उसको स्टार्ट करेंगे ना तो वो हमें एक वेन डायग्राम बना देगा। जी सर, तो बड़ा इजी है ये, तो कोई मसला नहीं है, बड़ी खूबसूरत इंटरेक्टिव वेन डायग्राम बना देगा। उससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा प्रमोटर रीजन है ना वो आपस में ज्यादा सिमिलर है, किन कौन सा डिसिमिलर है, तो वो चीजें हमें काफी अंदाजा हो जाएंगी इसकी। अच्छा, ये इस तरह का भी बना सकते हैं, ये जो ये तो बड़ा इजी है बनना, ये तो एक्सेल में बन जाता है जाएगा। जी सर। अच्छा, फिर ये आगे आगे कंपैरेटिव एनालिसिस है विद राइस एंड, ये तो बड़ा इजी है, इसमें तो आपने फालेजा ट्री बनाना है और उससे डिफरेंट ये इस तरह का ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाना आपको। चीजें तो काफी हद तक आप लोगों को मेरे लिहाज से क्लियर है ना? जी सर। इसके अंदर इन्होंने सिर्फ ना वो बनाई हुई है डॉ प्रोटीन की सीक्वेंस की बेस के ऊपर। जी सर। डॉ प्रोटीन ये जो मैंने आपको रहना करके दी है ये है ना मरियम, ऐसे बनाई हुई है ना उन्होंने? क्या सर? फालेजेटिक रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग मेगा 6 बाय नेवल जॉइनिंग मेथड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ 153 डॉ प्रोटीन कंप्राइजिंग ऑफ 37 चिकपी। सर, ये चिकपी और चिकपी पिजन पी और सोयाबीन के ना सारे उन्होंने उनके अंदर जितने भी डॉ प्रोटीन्स थे ना, यानी जो हमने पेप्टाइड सीक्वेंसेस लिए थे, ये उनसे उन्होंने बनाया हुआ है। अलाइनमेंट एंजाइम मेथड से की थी और उसके बाद फिर उन्होंने उसका फाइलोजेनेटिक ट्री बना दिया। ठीक है, ठीक होगा, इट मींस दैट ठीक है, कोई इशू नहीं है इसको, ये बना लेंगे आप लोग। ये क्या किया हुआ, जीन डुप्लीकेशन टाइम कंजर्व्ड जीन स्ट्रक्चर, ये उस फॉर्मूले के तहत किया हुआ है जो आपने पहले बताया। ठीक है, ये कंक्लूजन है बच्चे, ये चीजें तकरीबन अब सारी आप लोगों को आती है। जी सर। तो बस कुछ चीजें जो नहीं आ रही वो उसको इसके अंदर हम वो कुछ और सॉफ्टवेयर ऐड करेंगे, लेकिन इसको ना जल्दी से कंप्लीट करो आप। अब आप लोगों ना कहानी इसको कहानी बनाने की शक्ल में, अच्छा ये जब तक ये और कुछ है, अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा ये करो, अच्छा मैं देखता हूँ कोई ऑलरेडी जीनोमिक सीक्वेंस वाली जो एनालिसिस किया हो ना हमारे पास पड़ा हो। ये जीनोमिक अलाइनमेंट तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, कोई आलिश भी करो इसको स्टॉप करें। अच्छा अब आपने डिस्टेंस में जाना है कंपोज, अच्छा अब अलाइनमेंट पड़ी हुई है जीनोमिक वाली, अच्छा ये रहा जीनोमिक डॉफ ऑलिव अलाइनमेंट, इसको ओपन करें। आउटपुट से हो सकता है कंप्लीट ना हो, तो आपने स्टॉप कर दिया तो उसने ऐसे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में आपने बूटस्ट्रैप मेथड ये वाला देखो ना, ये जो सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस जी ये है वो ना, इसको आपने क्लिक करना है, जब इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे ना तो ये हमें एक ये देगा
ये सारी वैल्यूज दे देगा। दोबारा से मैं बता देता हूं कि आपने जाना है सीक्वेंस डिस्टेंस में, तो उसको अरेंज आप लोगों ने करना कि केएस और के वो जो वैल्यू है ना उसको कैसे अरेंज करना, अब आपका होगा उसके अंदर ना ये इस तरह का। हम वही वाली लेंगे ना जो एक लेड में जो प्रोटीन्स आ रही होंगी, हम उनका आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। हाँ, उनका सारियों को सारी का नहीं करेंगे, उनका आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये वो मुझे लगता है बता रहा है कि इसको ये बता रहा है उसकी ये क्या बता रहा है Anonymous एक मिनट इसका ना वो कैप्शन पढ़ते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ सिनोनिमस पर विटामिन सफिशिएंट शोन, ठीक है। एनालिसिस बार कंडक्टेड यूजिंग नी गुंज द रेट ऑफ वेरियस साइट्स एंड मॉडल विद द गामा रेडिएशन। अच्छा, दिस एनालिसिस शोस दैट 53 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आर एंबिगुअस सीक्वेंसेस वर मूव्ड फॉर ईच सीक्वेंस देयर आर टोटल 2-3 इन जीरो पोजीशंस। एवोल्यूशन एसेस वर कंडक्टेड इन मेगाहर्ट्ज़। द प्रेजेंस ऑफ एनसीन रिजल्ट्स इट वाज नॉट पॉसिबल टू एस्टीमेट एवोल्यूशनरी डिस्टेंस। ये वही लिखा हुआ है बच्चे, ये आपने ना अपनी फिगर के नीचे ये सारा लिख देना है ऐसे कॉपी करके। अब ये बताया हुआ है उनके ये synonymous and non-synonymous substitution है। सर, synonymous वाली कौन सी है और non-synonymous वाली कौन सी है, कैसे पता लगेगा? इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कौन सी है। इसको अगर हम export करें ये synonymous substitution बता रहा है। अच्छा, ये वाली synonymous है, ठीक है। ये नीचे बताया हुआ है इन्होंने, ये भी ये सारी synonymous बता रहा है। अच्छा, आप देखते हैं कि शायद नॉन सिनोनिमस के लिए रहना से करना पड़े डिस्टेंस में जाके सिनोनिमस नॉन सिनोनिमस। यहाँ पर सिनोनिमस टाइप, यहां पर जाएंगे ना फिर नॉन सिनोनिमस टाइप। ये बच्चे लगी समझ, उसी के अंदर नीचे जाके ऑप्शन है कि आप पहले सिनोनिमस वाली कर लें बाद में नॉन सिनोनिमस वाली। ये दोनों आपके पास डेटा आ जाएगा और उसको फिर आप रेंज आप लोगों ने करना है फिर कैसे करना है उसको देख के एक एक सीक्वेंसेस को, कि जब आप क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये किन दो के दरमियान में एनालिसिस किया हुआ है। ये देखिए, अब ये कौन सी है, ये नॉन सिनोनिमस वाली होगी ना, पहले सिनोनिमस वाली थी अब ये नॉन सिनोनिमस। समझ आ गई बच्चे? अब ये तो इशू खत्म हो गया ना, सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस वाला, तो ये माशाल्लाह खत्म हो गया हमारा इशू। अब आप इसको अरेंज करें जैसे भी करना है, इसको टेबल की फॉर्म है जिस तरह वो टेबल दिया हुआ है। और बाकी स्लैक एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा मैं भी आज पढ़ता हूँ स्लैक एनालिसिस, अगर वाकई जरूरी है वो भी कर लेते, जितने ज्यादा डेटे हमारे पास आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, और ESC डेटा
ऑलम का तो नहीं है ना जी, बाकियों का है ईएसटी डाटा, जिसका है वो प्लाज्मी करे। सर एक कोड भी आपने चीज करवाई थी वो भी नहीं थी, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए वाला। बट हाँ आप लोगों ने तो माइक्रो आरएनए वाला डाटा भी तो ऐड करना है। जैसे वो कलेक्ट कर लिए उसका टेबल बनाना है बस। वो भी है, ये भी है, ये भी है माइक्रो आरएनए वाला। बच्चे मैंने ना एक एक बंदा है मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उससे मैंने ना रिक्वेस्ट की है, क्या था नाम मरियम? अच्छा वो ना मुझे आप लोगों को ना आप लोगों के साथ ना टाइम निकाल के किसी दिन ना वो ऑनलाइन आरएनए सीक एनालिसिस और ये माइक्रो आरएनए एनालिसिस ना ये इंशाल्लाह आप लोगों को समझा देगा, लेकिन वो कह रहा था मुझे सिर्फ 15 दिन दे। अच्छा तो इंशाल्लाह ना वो भी हम ना डाटा, अगर वो डाटा तो इंक्लूड कर लिया ना आप लोगों ने फिर तो ये बहुत अच्छा और भी जनरल में पब्लिश हो जाएगा। तो उससे उसने मुझे कहा कि मैं वो एक प्रोजेक्ट लिख रहा है, उसने एक प्रोजेक्ट और कोई उसका एसोसिएट प्रोफेसर का केस जा रहा है तो उसकी तैयारी कर रहा है, तो वो कह रहा था कि मुझे सिर्फ ना एक हफ्ता दे दो उसके बाद मैं फिर आपको ना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह ना हम अगर आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस और सिंट्री एनालिसिस ये इतने बड़े बड़े एनालिसिस भी आप लोगों के आ गया है ना आप लोगों को, तो समझो आप बायोइनफॉर्मेटिक्स से मास्टर बन गए, बायोइनफॉर्मेटिक्स चलाने वाले। एक तो है ना इसका सॉफ्टवेयर बनाना वो तो छोड़ो, समझो आप बायोइनफॉर्मेटिक्स के ड्राइवर अच्छे बन गए हो। एक तो होते हैं ना गाड़ी का इंजीनियर, एक होता है गाड़ी का ड्राइवर, ड्राइवर तो हर कोई बन जाता है, समझो हम ड्राइवर बन रहे हैं इसके, और ड्राइवर ने ही काम करने होते। इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीजें आ जाएंगी और आप अपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस को यूज करके पब्लिकेशंस कर सकते हैं। अब सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस का पता चल गया, और ये वेन डायग्राम का पता चल गया, ग्राफिक्स में जाके आप लोगों ने बायोसीक्वेंस व्यू में जाना है, जीन स्ट्रक्चर व्यू में जाना है, यहाँ पर न्यूमेरिक फॉर्मेट में वो ऐड कर देना है टी। मरियम आपको पता है न्यूमेरिक फॉर्मेट क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता? किस किस को नहीं पता? सब पता है। आपको तो पता है ना, मरियम को नहीं पता। सर ऐसा नुशान को ही पता है, उनका फोन नहीं कनेक्ट हो रहा दोबारा, पता नहीं क्यों, वो दोनों ट्राई कर रहे हैं कब से। अच्छा अच्छा अच्छा। जीनोमिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले मरियम ने कर लिया? नहीं वो भी नहीं किया होगा ना इसने। सर मैं बता तो रही हूँ, मैं काफी दिनों से मेरा कोई काम नहीं हुआ, इस वजह से ना मैं काफी पीछे रह गई हूँ, तो अब मैंने इंशाल्लाह स्टार्ट किया है। चले ये ना न्यूमेरिक फॉर्मेट होता है कि जब हम फाइल ट्री बनाते हैं ना तो बाद फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके न्यूमेरिक इंपोर्ट टू न्यूमेरिक वो आपके पास एक लाइन आ जाती है, उसे आप कॉपी कर लेते हो। exactly. जैसे आईटोल वगैरह आप उसमें डाल सकते हो, वहां जाके उसको बड़े खूबसूरत तरीके से। और इवन आप ये टीवी टूल के अंदर भी न्यूमेरिक फॉर्मेट में ट्री डालना ना आपने, तो आपने ऐसे ही करना है, ये आप ट्री बन रहा है ना आप लोगों का। सर जो EST वाला है वो बेसिकली प्लांट GDP वाला ही है ना डेटा? हाँ प्लांट GDP जी सर। ये देखें बच्चे मरियम, ये फाइल में जाके एक्सपोर्ट ट्री जी न्यूमेरिक, इसको जब आप क्लिक करेंगे ना, ब्रांच लेंथ भी चाहे ऐड कर दो उसके अंदर, इसको ओके करेंगे ना तो ये हमारे पास ये ट्री आ जाएगा इसकी वर्ल्ड की फॉर्मेट में। अच्छा आप इसको कंट्रोल ए कॉपी करके आप जीनोमिक डिस्प्ले स्ट्रक्चर में भी ये ऐड करना है, फिर यहाँ जाके भी आपने ये ऐड करना है जब आप जीन स्ट्रक्चर व्यू पे जाना है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको? जी सर।
और इसी में आपने फिर XML वो मेम वाली वो फाइल ऐड कर देनी है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिस तरह जी मैंने बता ये वाला, साथ में ट्री भी बन जाएगा, साथ में इवन आपके साथ में ये प्रोटीन भी और मेम एनालिसिस भी, ये कट्ठा कट्ठा एनालिसिस करना ना एक ही फिगर में, ये इजी हो जाता है बंदे के लिए। जी सर। तो ये इस तरह का एनालिसिस ये करते हैं, ये बड़ा खूबसूरत एनालिसिस है। सर आप जरा जो आपने मेरी वाली फाइल रखी हुई आप उसमें देखें, आपने GFF वगैरह वाला डाटा लिया हुआ है? GFF? जी मेरे पास है आपका जी। तो मेरा आज याद से तीनों ढूंढ दीजिएगा, मैं बड़ा दो दिन खपी हूँ इनके पीछे, स्पेशली प्रोटीन के पीछे। अच्छा मैं देखता हूँ बच्चे। अच्छा ये है, कौन है ये? मरियम। मेरे पास ये प्रोटीन का डाटा है आपका, और इसके अलावा ये जीनोमिक डाटा है, प्रोटीन डाटा है, और आपका वो भी होगा मेरे पास GFF। तीनों ही है सर। फिर मुझे आप ये ना मेल कर दें इस नंबर पर। ये तो बहुत इजी है, उधर से डाउनलोड कर सकते हैं आप आइटोजोम से। सर पता नहीं मेरा कोई मसला आ रहा, हो ही नहीं रहा था, मैंने कोशिश भी की है। अच्छा चले मैं आपको भेज देता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। सर हमारे मार्क्स फाइनल हो गए, टीचर्स बाकी टीचर्स ने अपने मतलब दे दिए। आज मैंने बस करने हैं, आज कल मैं बस वो इंशाल्लाह करके भेजता हूँ। तो मैंने सर साजिद से पूछा था कि हमें क्लियरेंस के लिए आना पड़ेगा या नहीं इतनी दूर से, सर ने कहा था मैं आप लोगों का ना जो दूर वाले बच्चे उनका कोई ऑनलाइन सिस्टम बना रहा हूँ, तो आपको एक होप सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उसी पे आपका एमसेल पे एडमिशन होगा। वेरी गुड। चाग चले मैं वो मरियम फिर आपको भेज देता हूँ। तो सर की बाकी यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स का क्या कुछ आपको पता चला, क्या सीन है उनका? मैं पता करता हूँ, मुझे पता लगी खबर तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और सर PU में देखें अब तो सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होनी है, पहले तो चलो जी मसला था कि चीजें नहीं है या जो भी उन्होंने इशू बनाया था, अब तो ऑनलाइन ही होनी है, तो PU वाला स्टार्ट करवाएंगे फिर मास्टर्स? सर ये बात सिर्फ गवर्नर से करने वाली है, क्योंकि VC साहब ने कहा है कि मुझे जब तक NOC नहीं ना देंगे, हमने उन्हें भेजी थी रिक्वेस्ट। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे जब तक NOC नहीं आएगा मैं आपको कैसे अलाव कर सकता हूँ, तो ये HEC और गवर्नर का बेसिकली काम है। सही सर, अब यही करते हैं गवर्नर साहब से मिनते करते हैं कि हमें करवाएं PU में। अल्लाह खैर। जी सर। नहीं तो बायोइनफॉर्मेटिक्स में ले लो दाखला। तो वो किधर किधर हो रहा है, लम्स में और इधर उधर तो हो रहा है मेरे ख्याल से। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये इधर आगे पीछे। चले मैं आपको लोगों को चीजें भेजता हूँ लोग, ठीक है? ठीक है सर, मेरी भी लाजमी सर। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।